खुली आंख से जो सपना देख रहा है ना, बंद आंखों से भी पूरा नहीं होगा। जीवन एक है बेटा, अपना लक्ष्य देख। लक्ष्य तो जान गया हूं भाई। मृणाल के अंदर जो संताप आपने देखा है, दूर करना है उसे। मालवा और मान्यखेट के बीच जो नफरत है, मिटाना है उसे सदा सदा के लिए। सोचना है, आपका दरिया है जो कैसे बदलेगा प्रेम की नदी में वो। मन के संताप से मुक्त हो जाएगी धीरे धीरे। प्रेम की नदी बहानी है तो आपको पानी के पास ले जाओ। राजकुमारी है वो, महल की चार दीवारियों में पली बड़ी है। बाहर की रोशनी दिखा, दुनिया दिखा, दुनियादारी समझा, आम जनों के बीच ले जा, रिश्ते नातों के भेद समझा। दिखा दे उसे अपना असली रूप, बता दे कि तू ही है पृथ्वी वल्लभ। सोच ले, आसान नहीं है ये सब, कर पाएगा? आशीष दो माई। तो फिर जा, अब और ना भटक, चटक ले जाओ उसे। समय बहुत कम है बेटा। माँ को भूल ना जाना। अपनी माँ को कोई कैसे भूल सकता है? चटक मिली और खटक जारी है, सब खेल है गज केसरी का। मेरी बात गांठ बांध ले, चिंता चिता समान होती है। अपने मन से संताप को मिटा दे, जो बीत गया उसे भूल जा बेटा। प्रतिशोध से शत्रुता ही बढ़ती है, क्षमा करना एक दैवीय गुण है। घृणा की आहुति दे दे, क्षमा कुंड में स्वाहा कर दे। देख ये संसार कितना सुंदर है, जीवन का आनंद ले बेटी। बदले की आग में अपने भविष्य को ना जला बेटी। तेरी वनम्मा का आशीष हमेशा तेरे साथ है, सब मंगलमय होगा। गज केसरी समर्थ हो जा। वाह मूलराज वाह, तुमने तो एक तीर से दो शिकार कर लिए। तुम्हारे मस्तिष्क में ये बात आई कैसे? महाकाय, आपने वो कहावत सुनी होगी, जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उसके पैर अपने आप वहां खींचे चले जाते हैं। पृथ्वी स्वयं मृत्यु के पास खींचा चला आया। यूं समझिए कि मैंने नहीं मारा पृथ्वी को, मैंने तो सिर्फ उसकी मुक्ति का मार्गदर्शन किया है। पृथ्वी को मारकर आप तो दार्शनिक हो गए। आपको क्या हुआ? आपको ये बात सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई? संदेह हमारी प्रसन्नता को कम कर रहा है। संदेह? कैसा संदेह मालवा नरेश? प्रमाण, मृणाल और पृथ्वी मर चुके हैं, उसका प्रमाण कहाँ है? मूलराज के होते प्रमाण की आवश्यकता ही क्यों होगी?
यदि आप चाहते हैं तो मूलराज ले आएंगे उसकी बची खुची राख आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। क्यों मूलराज? अवश्य मादा नरेश, आप अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कीजिएगा उसकी आत्मा की शांति के लिए। अब तो शीघ्र मालवा की प्रजा को यह शुभ संदेश और पूर्व महाराज और उनके प्रिय सेनापति कल्लारी को यह दुखद सूचना भेजनी होगी और फिर राज्य के नियमानुसार मान्यखेट को भी उसकी राजकुमारी की मृत्यु की सूचना देनी होगी। विचार विमर्श के लिए राजकीय बैठक बुलानी होगी, योजना बनानी होगी। अब यह कोई राजनीतिक संकट साधारण नहीं है। ये सूचना हम पिताजी को नहीं दे सकते। इस शुभ संदेश को संपन्न मैं या मूलराज कर देंगे। आप तो आज का आनंद लीजिए, कल हमें दुखी होने का अभिनय करना है। आज्ञा हो तो जरा पानी पी ले। चलो जय मैया ने बचा लो, मैया की जय हो, मैया की जय हो, मैया ने बड़ा बचा ले हमारे।